दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती है। इस वीडियो में आपको यहाँ पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर जो है लिस्ट जारी हुई है एडमिशन के लिए, यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू उनका होगा। तो किस किस सब्जेक्ट का है, क्या यहाँ पर कोर्स है, इन सब की जानकारी दूंगा, साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और जिनका इंटरव्यू होने के बाद एडमिशन पक्का हो जाएगा उनकी क्लासेस कब से लगेगी, ये सारी जानकारी की आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा और इसके साथ साथ सी जी एजुकेशन न्यूज के जो आउट ऑफ प्ले के चैनल है वहाँ पर भी उसको फॉलो कीजिए और साथ साथ फेसबुक पेज पर भी सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सी जी एजुकेशन नाम से, न्यूज के नाम से ये जो है पेज है, वहाँ पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर फटाफट शुरू करते हैं किस चीज़ के लिए क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो देखिए ये है PhD में एडमिशन के लिए VRET क्वालिफाइड और VRET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए, यानी कि जो अभी इसका एग्ज़ाम हुआ था इंट्रेंस, उसमें कितने लोग जो VRET क्वालिफाइड है और VRET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर उनका इंटरव्यू अब होना है, इनको सिलेक्ट किया गया है, उसकी लिस्ट आई है। यहाँ पर पूरा शेड्यूल जारी किया गया है, साथ साथ निर्देश भी दिए गए, मैं सारे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो कैटेगरी हम लोग देखते हैं फार्मेसी के लिए देखते हैं, तो VRET क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट हैं उनका 13 से लेके 14 जून को 10 बजे से 5 बजे काउंसलिंग कम इंटरव्यू और काउंसलिंग दोनों होगा एडमिशन के लिए। और जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर है उनका 15 जून को होगा 10 से 5 बजे के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको बता दूँ कि इसमें जाने से पहले आपको जो भी आपके यानी कि फार्मेसी का है तो फार्मेसी के HOD से पहले अप्रूवल करा लेना है, उनसे परमिशन लेना ज़रूरी है जाने के पहले। और उसके बाद देखते हैं तो इसका जो लिस्ट है यहाँ पर जारी नहीं हुआ है, यहाँ पर डेट जारी हुआ है फार्मेसी का, ठीक है। और इनका जो डेट है यहाँ बताया गया कि 31 मई के पहले मतलब वहाँ तक ऑन या बिफोर जारी हो जाएगा लिस्ट, तो वेबसाइट पर भी आ जाएगा और आपको ईमेल से भी पता चल जाएगा। दूसरा जो है केमिस्ट्री के लिए जारी हुआ है, तो यहाँ पर जो है जो होगा डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 13 जून को रहेगा, ट्यूसडे को 9 से 10 बजे, और इसकी काउंसलिंग और इंटरव्यू जो होगा वो होगा 13 जून को ही 10:30 बजे के बाद। तो यहाँ पर टोटल सीटें देख लेते हैं VRET के लिए, तो अनरजिस्टर की 10 है, SC की 3 है, ST का 1 है, OBC का 5, EWS का 2, PWD 1, टोटल 21 सीटें हैं। और इस VRET कैटेगरी के लिए यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स से नाम अपने चेक कर सकते हैं, रोल नंबर, कैटेगरी और कितने नंबर आपको जो इनके VRET हुआ था विश्वविद्यालय रिसर्च इंटरेस्ट, ये इसके लिए कितने नंबर आपको मिले वो भी यहाँ लिखा गया है। तो टोटल VRET के लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी का मिलाकर 28 स्टूडेंट हैं, ये सभी लोग जा सकते हैं। 13 जून को रखा गया है 9 से 10 बजे के बीच में। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट का PPT प्रेजेंटेशन आपको अपने जो भी शोध है, रिसर्च है, उसके ऊपर देना होगा, ठीक है। और जो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ओरिजिनल और 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज लगेंगे। तो डाउनलोडेड एडमिशन फॉर्म, 10वीं 12वीं के मार्कशीट, UG मार्कशीट, PG के मार्कशीट, ट्रांसफ़र, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो बाद में तो जमा करना ही पड़ेगा। कास्ट कैटेगरी जो भी आपका कास्ट है, इफ अप्लाइड फॉर VRET एग्जेम्प्टेड, अगर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर है तो उस चीज़ को सपोर्ट करने की, यानी कि आपने MPhil किया है और नीट वगैरह किया है, नेट किया है, तो फिर वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आएगा, तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर कोई जॉब में है, आप कहीं कोई फर्म में या कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी का NOC आपको मैंडेटरी रखा गया है। रेजिडेंशियल मतलब निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लगने वाला है। इसका फीस जो है ऑनलाइन होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर इनका 14 जून को रखा गया है, 9 से 10 बजे आपको 9 बजे वहाँ पहुँच जाना है और आपका PPT प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू 10:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर भी टोटल 21 सीटें, अनरजिस्टर की 14, SC की 4, ST की 2 है, OBC की 7 है, EWS का 2, PWD की 1 सीटें हैं। और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर यहाँ पर लिस्ट जारी हुई है, इसमें 10-11 स्टूडेंट के नाम है। ये लिस्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए, और नहीं और भी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर 28 और यहाँ पर 29 से स्टार्ट हो रहा है और ये 45 तक की पूरी लिस्ट है। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें भी सेम डॉक्यूमेंट रखे गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का परफॉर्मर दिया गया है, यही वाला आपको डाउनलोड करके निकाल के इसको फिलअप करवा लेना। जो भी कंपनी में आप जॉब करते हैं कहीं पर, तो उनसे NOC साइन करवा लेना, यही वो परफॉर्मा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए आया है, जिसका डेट रखा गया है 14 जून को वेनसडे को 12 से 12:30 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम है। इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करेंगे, फिर 12:30 बजे के बाद आपका इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन चालू होगा। और उसके लिए यहाँ पर लिस्ट जारी हुई है स्टूडेंट की, ये 29 स्टूडेंट का लिस्ट है, ठीक है। जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है उनका लिस्ट यहाँ पर जारी हुआ है और सेम यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी लिखे गए हैं। और यहाँ पर जो है एक चीज़ अपने HOD से कन्फर्म कर लेना है, पहले जाने से पहले परमिशन ले लेना है, ठीक है। कैंडिडेट शुड सेंड द रिसर्च प्रपोजल बिफोर 8 जून से पहले। आपको ये जो ईमेल है GGB, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग ईमेल है, वहाँ पर आपको भेजना है। और प्रियर परमिशन इंटरव्यू में जब आप जा रहे हैं तो उनसे परमिशन भी ले लेना है इसी ईमेल के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इतना ही है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो ये सब एडमिशन होने के बाद इनकी क्लासेस जो है, देखिए PhD PhD कोर्स वर्क जितने भी स्टूडेंट का एडमिटेड होगा उनका 3 जुलाई को स्टार्ट होगी इसकी क्लासेस, ठीक है। तो इसका पूरा PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना लिस्ट में नाम देख सकते हैं, PDF फॉर्म में ये अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।